हेलो फ्रेंड्स मीना की रसोई में आपका स्वागत है देखिए हम कई बार आटा तो गूंथ लेते हैं पर हमारी रोटी अच्छी नहीं होती है इसमें हमसे गलती कहाँ होती है कि हम पानी का रेशियो सही नहीं लेते हैं तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको आटा गूंथने के लिए पानी का सही रेशियो बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखिए मैं एक बर्तन में एक कटोरी आटा ले लूंगी और उसी कटोरी से आधी कटोरी पानी भी अब आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर साफ आटा गूंथ लेंगे आटे पर थोड़ा सा घी या तेल लगा देंगे जिससे आटा ऊपर से सूखेगा नहीं और मुलायम भी रहेगा फिर थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख देंगे जिससे हमारा आटा खिल जाएगा और रोटी फूली-फूली फुली बनेगी अब हम गैस को जलाकर तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे रोटी बनाने के लिए हम गुथे हुए आटे में से थोड़ा आटा लेकर लोई बनाएंगे और इसमें सूखा आटा लगाकर ऐसे ही रोटी को बेलेंगे देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे अब इसे हम गर्म तवे पर सेकेंगे देखिए हमारी रोटी कितनी फूली-फूली सी बन रही है ऐसे ही हम सभी रोटियां सेक लेंगे अगर आपको रोटी बनाने का मेरा ये तरीका पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे YouTube चैनल मीना की रसोई को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद